हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जिनके एमएससी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, उनके लिए हम लोग लेके आए हैं एमएससी फर्स्ट सेम का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कुछ पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, और चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय जॉन टेलर इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स रोल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर इफेक्ट ये बताता है कि उनकी शेप जो होती है वो रेगुलर क्यों नहीं होती है और उसमें डिस्टोर्शन क्यों आता है। तो ये आपने किया होगा और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन बेंट रूल एंड हाउ इट अफेक्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं या मॉलिक्यूल आयंस होते हैं, जैसे आपको दिया जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, ये दे दिया आपको Ai F3-, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ इनमें इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और साथ में आपसे शेप पूछता है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें जब तक आपको बेंट रूल नहीं पता होगा, आप उसकी एग्जैक्ट शेप नहीं बता पाएंगे, और जैसे ही आप बेंट रूल जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस बोराइड्स एंड देयर टाइप्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल कार्बाइड्स। फोर्थ क्वेश्चन रहे, क्लियर SN1CB रिएक्शन मैकेनिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, उनकी जो रिएक्शन की इजीनेस होती है, वो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी टर्म में मेजर की जाती है। ये दो फैक्टर होते हैं और ये दोनों अलग अलग होते हैं। सिक्स क्वेश्चन रहेगा, हाउ विल यू एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट एंड क्लियर इट्स रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांस इफेक्ट में बच्चों, जो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन होता है लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्सेस में, वो एक्सप्लेन करता है। सेवंथ रहेगा, डिफाइन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप जानते कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग MOT भी बोलते हैं, तो MOT थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एट्थ क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाला है, काफ़ी एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, और कोई भी एग्जामिनर जब आपका इनऑर्गेनिक का पेपर सेट करेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो ये क्वेश्चन वो निकालता ही निकालता है और फेंक के मारता है, कहता है भाई करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन है, टेट्रासाइनो निकिल हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बट टेट्रा कार्बोनिल निकिल इज टेट्राहेड्रल, व्हाई इट इज सो, एक्सप्लेन। बच्चों, यहाँ पे दोनों देखिए कॉम्प्लेक्सेस निकल के हैं, एक में साइनो हमारा लिगेंड है, दूसरे में हमारा कार्बोनिल लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे दोनों की जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्यों ऐसा हो रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप VBT यूज कर सकते हैं इजिली, और ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। अब नाइन्थ क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl4- जीनोन हेक्साफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, Cl2OF2। तो यहाँ पे ये कुछ मॉलिक्यूल और कुछ मॉलिक्यूल आयन दिए हुए हैं। बच्चों, ये बेंट रूल का एक फर्दर एप्लीकेशन है और बेंट रूल से जुड़ा हुआ ही ये क्वेश्चन है। अगर आप बेंट रूल एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर फर्दर ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है और ये ऐसे इनडायरेक्टली भी आता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है बेंट रूल का ही पार्ट है, उसके एप्लीकेशंस हैं ये। टेंथ क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं कि जो लोन पेयर देता है वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और लिगेंड्स का काम यही तो होता है। आप जानते हैं लिगेंड्स जो होते हैं वो अपना लोन पेयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग बनाने में मेटल आयन के साथ, और ये जो बॉन्डिंग, ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये पूछ रहा है कौन से फैक्टर होंगे जो इस रिएक्शन को फेवर करते हैं, ये आपको बताना है। 11th क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। बच्चों, ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है, अबाउट 1 पेज पे अगर आपने अच्छे से लिखा है तो काफी होता है ये। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा CFSE, CFC आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब आपका जो जॉन टेलर इफेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। बी है हमारा मेटल नाइट्राइड, सी रहेगा हमारा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी रहेगा हमारा मेटल बोराइड्स,
ई रहेगा चिलेशन इफेक्ट। आप जानते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं उनमें जो डोनर एटम होते हैं, वो जो डोनर एटम होते हैं वो कहलाती है उस लिगेंड की डेंटिसिटी, मतलब कि कोई लिगेंड जितने बॉन्ड बनाएगा दैट विल बी डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। मान लो कोई लिगेंड जो है हमारा सीएल माइनस क्लोराइड आयन है तो वो केवल एक बॉन्ड बना सकता है तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो है उसमें उसके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम है तो वो कहलाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, और वो जब बॉन्डिंग करता है मेटल आयन के साथ तो वहां पर एक रिंग बन जाती है, जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है उसको चिलेट बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है चिलेशन इफेक्ट। ये उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। एफ रहेगा एनिशन रिएक्शन। बच्चों ये आप जानते हैं, पढ़ाया हुआ है आपको क्लास में, आपने किया हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो सब्स्टिट्यूशन कोर्स करता है डेट इज नोन एज एनिशन रिएक्शन। जी हमारा रहेगा इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे जो लिगेंड एक्सचेंज होता है इजिली हो रहा है या डिफिकल्टी से हो रहा है, दीज आर कंबाइंडली स्टडीड अंडर इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, दोनों में यही बताते हैं। एच रहेगा हमारा कलरेशन इन कॉम्प्लेक्सेस। आप जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी एक खास टेंडेंसी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस कलर। तो भाई वो कलर प्रोड्यूस क्यों करते हैं, इसका रीजन होता है बच्चों डीडी ट्रांजिशन, आपने पढ़ा है। आई रहेगा हमारा एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल बच्चों आप जानते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, तो वो कहलाते हैं एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, या लिगेंड भी बोल सकते हैं आप। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो यूज करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए, K1 K2 K3 आपको बताया हुआ है क्लास में। अब रहेगा हमारा JSN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो ये आप जानते हैं ये मैकेनिज्म जो होता है SN1 कहलाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN2 कहलाता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिस्कस किया हुआ है, आपके पास नोट्स होंगे। नेक्स्ट लेते हैं कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों अगर आप 11 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको यकीन जानिए आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा होगा, और आप हंसते हुए एग्जाम रूम से बाहर आएंगे। ट्रस्ट मी, आप इनको कीजिए, दिल लगा कीजिए, लिख लिख के कीजिए, और थोड़ा समझ के भी कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, कभी आप भूल जाए और आपका क्वेश्चन खराब हो जाए। प्रैक्टिस कीजिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।